हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वाति। आ गई हूँ आप लोगों के पास। मेरे चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा ब्लॉग हमारी शुनू को लेकर है। आपने मेरी मोस्टली वीडियो में देखा होगा शुनू को, पर सोचते होंगे कौन है, कहाँ से आई इतनी प्यारी बिल्ली। तो मैंने सोचा आज मैं इसी के ऊपर ब्लॉग बनाती हूँ, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका भी करवाऊँ। तो शुरुआत की स्टोरी इसकी थोड़ी सैड है, थोड़ी नहीं अच्छी खासी सैड है, क्योंकि जब ये मेरे हस्बैंड को मिली थी बहुत ही बुरी कंडीशन में मिली थी। पास में हमारा रोड है, रोड के कोने पे थी ये, तो शायद 2-3 दिन से इसने कुछ खाया नहीं था, और आसपास कुत्तों के डर से और भी कितनी सारी चीज़ों की वजह से छुपके से कोने पे बैठी थी। और इसकी इतनी बुरी हालत थी कि इसके मुंह से कुछ निकल भी नहीं रहा था, आवाज़ तक नहीं आ रही थी। तो रात का टाइम था, मेरे हस्बैंड जा रहे थे किसी काम से या काम से आ रहे थे, तो इनको एकदम अचानक से दिखी है, क्योंकि वाइट कलर की है और चमक रही थी। तो इन्होंने देखा कि बिल्ली का बच्चा इतनी बुरी हालत में, तो इन्होंने ना उस टाइम देर नहीं की और ये लिया है मेरे पास। बोलते देखो मैं किसको लेकर आया हूँ। फिर मैंने इसको देखा, मुझे भी बहुत अजीब सा लगा कि इतनी बुरी कंडीशन में। तो उस टाइम दोस्तों लक की बात है कि हमारी उस टाइम शॉप खुली थी पास में, क्योंकि गांव में मोस्टली 9-9:30 बजे तक शॉप्स बंद हो जाती है। उस टाइम 9:30 बज रहे थे और वो खुली हुई थी। उसके बाद एक और अच्छी बात ये है कि उस शॉप में हमें दूध भी मिल गया था, क्योंकि दूध सुबह आता है शाम तक ख़त्म हो जाता है, पर उस दिन इसके लिए एक हमें मिला दूध का पैकेट। उस टाइम मेरे हस्बैंड लेकर आए दूध, मैंने इसके साथ इस चावल के साथ इसको दिया वो दूध। इसने उस टाइम ऐसे खाया कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी भूखी थी ये उस टाइम। इतनी सी बच्ची ने उस टाइम इतने सारे चावल खा लिए थे कि मैं और मेरे हस्बैंड देख के भी हैरान थे। तो हम उस टाइम लगा कि कितने दिनों से ये भूखी थी। तो ये थी इसकी सैड स्टोरी। उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, तो अगर ब्लॉग बनाती तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाती कि हम उसको उठा के लाए हैं, कहाँ से उठा के लाए हैं और ये कौन सी कैसी हालत में है। तो वो तो छूट गया, पर सोचा कि अब तो इसका इंट्रोडक्शन मैं दे ही दूँ, बता ही दूँ कैसे ये मिली हमें। तो इस तरीके से हम अपने घर पर लिया है। फिर इसको हमें हमारे साथ एडजस्ट करने में 2 दिन लगे थे, पर उस टाइम हमारे पास एक और भी एक चैलेंज था कि इसको हम रखें कैसे, क्योंकि छोटी सी है, हमारे 2 डॉगी भी रहते हैं और कहाँ से कहाँ चली जाएगी कुछ नहीं पता। तो इसके लिए मेरे हस्बैंड ने एक बॉक्स बनाया था, दिखाती हूँ मैं ये बॉक्स। ये देखिए, ये बॉक्स बनाया था, यहाँ से थोड़ा सा छेद रखा हुआ है, यहाँ से वो निकलती अंदर जाती थी अंदर। इसके लिए मेरे हस्बैंड का एक पैंट रख दिया। तो उस टाइम ये ना पूरा ऊपर से कवर था, एक कपड़े से मैंने ऊपर कवर कर दिया था ताकि ये ना बाहर उछल उछल के जा रही थी। तो इसके अंदर 2 हफ्ते तक इसमें रखा था, फिर ये घर के अंदर एडजस्ट हो गई थी, फिर घर पे रहने लगी। अब इस बॉक्स में नहीं सोती है, पर उस टाइम इसको इतनी अच्छी आदत लग चुकी थी कि दोस्तों बाहर आती थी, खाती थी, अपना इसके अंदर जाके सो जाती थी मस्त। तो ये बॉक्स के अंदर हमने रखा था। तो ये था वो बॉक्स जो मैंने आप लोगों को दिखाया, जिसमें हमने इसको रखा कुछ दिनों तक। पर अब उसको 1-1.5 महीने हो चुके हैं, तो अब तो एकदम मस्त अपने हमारे साथ एडजस्ट हो चुकी है। देखो कैसे खेल रही है मेरे साथ। बस ये एवर ग्रीन, हमेशा इसका खेलने का मूड बना रहता है। इसकी वीडियो मैंने बनाई है और रोज़ इसका खेलने का कुछ ना कुछ मूड होता है, तो उसकी भी छोटी छोटी क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये थी हमारी शुनू की दुख भरी दास्ता, जो अब नहीं है, अब खुशहाल वाली है। ऐसे ही जो बड़ी वाली मीनू है, उसका भी मैं एक दिन आप लोगों को ब्लॉग बनाकर दिखाऊंगी कि उसकी भी शुरुआत कैसी हुई थी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों रिलेटिव्स में भी शेयर कर देना, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।